नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष राठौर और आज के हमारे एक और नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मनीष राठौर यूट्यूब चैनल और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम किस प्रकार से अनअकैडमी के वीडियोस अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में बड़ी आसानी से सेव कर सकते हैं। हालांकि एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम किस प्रकार से अनअकैडमी की कोई भी वीडियोस अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। अब उसी वीडियो के नीचे काफ़ी सारे लोगों का ये भी कमेंट आया था कि सर, आपने जो तरीका बताया है वीडियो डाउनलोड करने का वो अच्छा तरीका है, वीडियोस डाउनलोड भी कर पा रहे हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, क्या ऐसा इसका कोई शॉर्ट प्रोसेस नहीं है, कोई शॉर्ट तरीका नहीं है जिसकी मदद से हम लोग जो है वीडियोज़ डाउनलोड कर पाए? या कई सारे व्यूवर्स ऐसे भी थे जो कि उन वीडियोज़ को डाउनलोड ही नहीं कर पा रहे थे, तो उनके लिए भी स्पेशली ये वीडियो मैं बता रहा हूँ। हालाँकि काफ़ी इजी तरीका है ये और हर कोई इस तरीके के द्वारा जो है कोई भी वीडियोस को अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर लैपटॉप या फिर यूँ कहें कि कोई भी डिवाइस में बड़ी आसानी से सेव कर सकता है। ऐसे मैं यूँ नहीं कहूँगा कि इसे हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं, इसे हम लोग सेव कर सकते हैं, ये वर्ड यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो यदि आप अपने मोबाइल में कोई भी वीडियोस को सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोई भी वीडियो प्ले कर दीजिए। यूँ नहीं कहूँगा कि अनअकैडमी ही, आप कोई भी प्लेटफॉर्म ले लीजिए, कोई भी प्लेटफॉर्म का, आप चाहे यूट्यूब ले लीजिए, अनअकैडमी ले लीजिए, कहीं पर भी कोई वीडियो यदि आपको दिखता है, यदि आप उसको प्ले करते हैं तो उसको आप जो है स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन की मदद से अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। हालांकि कई सारी एप्लीकेशंस आपको जो है गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, उन एप्लीकेशंस में से आप देख सकते हैं किसकी रेटिंग अच्छी है और किसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, उस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और उसको डाउनलोड करने के बाद आप वीडियो प्ले करिए कोई भी और अपना स्क्रीन रिकॉर्डर स्टार्ट कर दीजिए। आपका वीडियो भी प्ले होता रहेगा और आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड होती रहेगी, वो वीडियो आपके मोबाइल में जाकर सेव हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में उस वीडियो को सेव करना चाहते हैं तो यही आप प्रोसेस कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डर कई सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं। यदि आपको नहीं मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उनकी लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। वो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करिए और वीडियो प्ले करिए अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में, अपना स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर आप प्ले करिए, रन कर दीजिए उसको और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपका वीडियो रिकॉर्ड होता रहेगा और आपके मोबाइल में जाकर सेव हो जाएगा, आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में जाकर सेव हो जाएगा। तो ये आसान सी प्रोसेस है जिसकी मदद से आप हर कोई व्यक्ति जो है इन वीडियोस को अपने मोबाइल में या कोई अपने डिवाइस में सेव कर सकता है। डाउनलोड करना चाहते हैं तो पिछला जो वीडियो मैंने आपको बताया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो आप देखिए, उसकी मदद से आप डाउनलोड कर पाएंगे। और यदि आप डायरेक्टली शॉर्टकट तरीके से अपने मोबाइल में या डिवाइसेस में सेव करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन का या स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ रेगुलर देखने के लिए हमारे साथ बनिएगा मनीष राठौर यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर से मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।